हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानसून के सीज़न चल रहा है तो आपको आम के कौन कौन से वैरायटी को गमले में लगाना है या अपने गार्डन में लगाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। या आम के पौधे सभी ग्राफ्टिंग प्लांट्स हैं जिसे आप गमले में लगा कर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारा फल ले सकते हैं। और यह 6 से 1 साल के बीच आपके जितने भी प्लांट्स हैं सब में आम फलना चालू हो जाएगा। तो आप आसानी से गमले में लगाइए या अपने गार्डन में लगाइए, ये सारे आम के पौधे लग जाएंगे और फ्रूटिंग भी चालू हो जाएगा। क्योंकि मानसून का सीज़न में वैसे भी पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती और एटमोसफेयर इस सेट टाइप का रहता है कि जो भी प्लांट्स लगाते हैं आप आसानी से ग्रो कर जाता है। और जब भी आम के पौधे को लगाइए तो आप 25 से 30 इंची का पोट ले लीजिए, उसमें आप ग्राफ्टिंग प्लांट्स लगाइए, आसानी से लगेंगे। और ये सारे ऐसे कुछ वैरायटी आम के पौधे के हैं जो सालों भर फ्रूटिंग होता है। तो आप नर्सरी से इन सारे प्लांट्स को लेकर आइए और अपने घर में लगाइए, आसानी से लगेंगे और ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग करेंगे। यह बारहमासी आम का पौधा है जो कि अगस्त के महीने में भी इतने सारे इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। दोस्तों, इसकी हाइट 5 से 6 फीट ही लास्ट जाएगी। इसे आप गमले एवं कैरी बैग में या ज़मीन में भी लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाएँ। 4 से 5 ऐसे वेराइटी है जो गमले में लगने की सबसे अच्छी वेराइटी होता है। इन सारे पौधे को अगर आप गमले में लगाते हैं तो गमले की सबसे पहले आपको मिट्टी वेल्ड्रेन बनानी होगी। मिट्टी आपको 50% लेना है, 20% आपको रिवर सेंड लेना है। बर्मी कंपोस्ट खाद ले लीजिए, नीम खल्ली, और इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए और पौधे को गमले में लगाइए। और गमले का ड्रेनिंग वाल अच्छी तरह से क्लियर रखिए और पौधे को लगाकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आम के आप कौन कौन से पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो मैं उन सभी वैरायटी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पौधे आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाएंगे नर्सरी में, और इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पहला पौधा यह है बरमसिया आम है, जो गमले में लगने की बेस्ट वैरायटी है। और इस समय कितने सारे फ्रूट्स इस प्लांट्स में आए हुए हैं और इसकी हाइट 4 से 5 फीट होती है। इसे आप कैरी बैग या गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक फल खत्म होता है कि दूसरा मंजर एवं टिकोड़ा पकड़ने लगता है और सालों भर इसी तरह से इसमें फ्रूटिंग होती है। दूसरे प्लांट्स में देखिए मंजर आ रहा है, जिसे गमले में लगाकर आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। उसका बाद आपको बारहमासी आम के पौधे को लगाना है। यह साल में 3 बार फ्रूटिंग करता है और गमले में लगने की ये भी अच्छी क्वालिटी का आम होता है। और एक फल आपके टूटते नहीं है कि दूसरा इसमें फल तैयार रहता है। उसके बाद अरनिका अंबिका आम के पौधे को भी गमले में लगाकर आसानी से आप फ्रूटिंग ले सकते हैं और इसकी हाइट 4 से 5 फीट तक होती है। और गमले में यह भी लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी है। आप अपने घर के ज़मीन में भी लगाइए, गमले में भी लगाइए। गमले में लगाकर छत में आप ढेर सारे आम इस प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गमले में लगाने वाले आम के प्रजाति के बारे में बता रहा हूँ। उसके प्रजाति का नाम थाईलैंड मैंगो ट्री है। दोस्तों, यह बहुत कम समय में ही फलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सदाबहार मैंगो ट्री है। यह साल में 2 बार फलता है और छोटे छोटे गमले में भी लगता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत एवं स्वादिष्ट आम होता है। दोस्तों, यह साल में 2 बार फलता है और गमले में कम से कम आपके 30 से 35 एक बार फलता है। दोस्तों, ये सारे प्लांट्स गमले में लगने की सबसे अच्छी वैरायटी है। उसके बाद आप गार्डन में अपने इन सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं। आप गुलाब कश मैंगो ट्री को लगाइए अपने गार्डन में। इसके आम बहुत ही टेस्टी होते हैं, रसीले होते हैं और यह इसकी खेती बड़े पैमाने पर यूपी में ज़्यादा होती है। उसके बाद हिम सागर यह भी बिहार का प्रसिद्ध आम है। इसे भी आप अपने गार्डन में इस समय लगा कर ढेर सारा फ्रूटिंग ले सकते हैं और यह आपको 2 साल में पौधा तैयार हो जाता है और इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। राजा आम लंगड़ा है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, मेरे पास जितने भी प्लांट है सब ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट्स है। इसके आप 1 साल के बाद इसमें लगा कर आप ढेर सारे फल इससे प्राप्त कर सकते हैं। आम्रपाली मैंगो ट्री भी बहुत ही स्वादिष्ट है।
इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने घर के बगीचे में। दोस्तों आम देखने में बहुत ही सुंदर होता है। उसके बाद दोस्तों दशहरी आम आता है, या इसके भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मीठा एवं रसीला गुद्दा होता है, या खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके बाद यह बंगाल का मालदा आम है, यह आम रसीला गुद्देदार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप अपने जरूर बगीचे में लगाएं। उसके बाद एक कलकतिया बम्बैया मैंगो ट्री है, इसका भी टेस्ट बहुत होता है, यह राम रसीला होता है और यह कच्चे में भी मीठा लगता है। तो इस समय इस गार्डन में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। उसको सुंदरिया आम को भी आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हजारों की संख्या में फलने वाला बीजू मैंगो ट्री को आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये रेड पाइनएप्पल है। उसके बाद केसर भोग है, केसर भोग भी बिहार में प्रसिद्ध है। इसका स्वाद बहुत ही गजब लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों इन सब आइए या प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और एक साल के बाद दोस्तों आपको फल खाने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यह केसर भोग मैंगो ट्री है, जो कि यह भी बहुत प्रसिद्ध आम होता है। इसके रसीले गुद्दे होते हैं, यह भी बहुत स्वादिष्ट एवं खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह बिहार का लंगड़ा आम है, इसे मालदा आम कहते हैं। यह भी आम बहुत ही गुद्दा रसीलादार होता है और आप दोस्तों जितने भी प्लांट्स मेरे पास है सब ग्राफ्टिंग किए हुआ प्लांट्स है। आपको एक साल के बाद इतने सारे फल देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे पास फल वाला भी प्लांट्स है, वो भी बहुत से आए हैं। यह हमने नए प्रजाति का उत्तर प्रदेश से मंगाया हुआ बनाना मैंगो ट्री है। इस ट्री को भी दोस्तों ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट्स है, यह भी आपको एक साल के बाद लगाने के बाद फल दे देगा। तो दोस्तों आम का सीजन आने वाला अब ख़त्म हो गया, इसलिए आप मानसून जब आ रहा तो अपने बगीचे में ज़रूर आम के लिए विभिन्न प्रकार के आम के प्रजाति है, जो कि सभी आम अच्छी तरह से है होते हैं। इसके लिए आप इस मैंगो ट्री को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और का पौधा जब भी आपको गार्डन में लगाना है तो कम से कम आप 30 फीट का दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, जिससे आपके प्लांट्स अगर बड़े भी होंगे तो आसानी से दोनों का डिफरेंस रहेगा और घना होंगे और इसमें प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। तो हमने अपने गार्डन में देखिए लंगड़ा मालदा बीजू बम्बैया कलकतिया इलाहाबादी आम को लगाया है और अभी ये मात्र 15 दिन में हुए हैं लगाए हुए और इस बरसात के सीजन में अच्छे से सर्वाइव कर गए हैं सारे प्लांट्स और लग गए हैं। तो आप इन सारे पौधे को अपने पास के नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन या गमले में ऐड करिए, क्योंकि इस समय पर आपके जो मौसम होते हैं वो प्लांट्स लगाने के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं और ह्यूमिडिटी के कारण आपके पौधे आसानी से लग जाते हैं, पानी डालने की झंझट नहीं रहती है। तो दोस्तों इन सारे प्लांट्स को आप अपने पास के नर्सरी से लाइए और अपने गमले एवं अपने गार्डन में लगाइए, आसानी से लगेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इस सीजन में आप गमले में लगने वाले इन सारे बेस्ट वैरायटी मैंगो ट्री को आराम से लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर और 24 इंची का पोट में पौधे को लगाइए। सारे पौधे आसानी से इस मानसून के सीजन में लग जाएंगे और जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय।